अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी नान कताई घर में। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं नान कताई के। एक कप मैंने ली है चीनी, समझे, ये वाला बड़ा वाला बुल है चीनी का, उतने उसका ही डबल। चीनी का डबल हमेशा होता है मैदा। ये मैदा लिया है मैंने 2 कप, इसी को मेजरमेंट के हिसाब से नापा है। और ये 3 से 4, समझे, तकरीबन 4 खाने के चमचे बेसन था। और ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर, ज़्यादा है समझे, बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जो खाने वाला चमचा होता है उसका आधा। और ये बेकिंग सोडा, समझे, 2 चुटकी के करीब ये बेकिंग सोडा था, बहुत थोड़ा था। और घी लिया है हमने 1 कप, यानी कि चीनी जितनी होगी उसका आधा ही घी होगा। घी कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारी एग है, समझे, ये अंडे को अच्छे से बीट कर लिया है, ऊपर जो हम ब्रश करेंगे नान कताई को। जी तो ये देखिए, मैंने 1 कप घी डाला है और इसके साथ ही मैं अपनी पिसी हुई जो चीनी होगी ना वो डालूंगी। तो ये 1 कप जो है ये पिसी हुई चीनी थी, इसको हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि चीनी और घी को मेल्ट कर लेंगे, एक तरह से कह सकते हैं। मेरी जो चीनी थी इसका दाना थोड़ा सा मोटा था, यानी कि पिस भी गई थी, फिर भी एक पूरी फुल प्रॉपर पाउडर में नहीं आ रही थी शेप में, तो वो थोड़ा दाना रह गया था। तो उसको घुलाने के लिए ये मैंने चला दिया है बीटर। अच्छे से हम बीट कर लेंगे कि क्रीमी क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए घी और चीनी। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसको कर लेंगे बीट, और इसके अंदर ही हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे साथ में। अगर आपको कम लगे, जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और घी कम लगे, यानी कि सूखा सूखा सा लगे, तो 2-3 खाने के चमचे डाल सकते हैं आप घी। इसका आटा गुंथा ही घी से है, कोई पानी नहीं, कोई दूध नहीं। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बेसन। बेसन तो बहुत मज़े का लगता है नान कताई में, बेहतरीन सा फ्लेवर देता है, बेसन की खुशबू आती है। और ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल फुल बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं, आप हाथ की मदद से जैसे आटा गूंदते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स में ये सब डालें और घी से आटा गूंदें। हाथ की गर्मी से तो बहुत अच्छे गूंदेगा नान कताई का आटा, क्योंकि हाथ में जो एक अलग ही अल्लाह ताला ने वो दिए गर्माहट, तो हाथ की गर्मी से बहुत अच्छा सा आटा जो है वो गूंदेगा। ये देखिए, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब मैं डाल रही हूँ, जो मैदा था उसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है घी, तो मैं घी ऐड कर दूंगी, 2 से 3 खाने के चमचे। आप घी को मेल्ट करके ऐड कर दें तो लेवल हो जाएगा। ये अभी क्रम्स की शक्ल में आ गए हैं, जैसे क्रम्स क्रम्स बन गए। और बहुत पतला आटा नहीं गूंदेंगे इसका, हार्ड हार्ड सा गूंदेंगे। तो ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि घी डालना पड़ेगा, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ 2 खाने के चमचे घी। तो ये देखिए, ये घी अभी डालूँगी, थोड़ा सा दबा दबा के इसको अच्छे से, पहले वो कर लिया था क्रम्स की शेप में ले आई थी। तो अब देखें, ये अच्छे से सेट होना शुरू हो रहा है। ग्लव से थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे, तो बेहतर है कि हाथ से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ग्लव्स में वो नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कितना हमने ना वो करना है, शेप देनी है कैसे। तो हाथ की मदद से बहुत अच्छे से आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं इसकी गोलियां जो होती हैं नान कताई की, शेप देंगे।
ये देखिए, अब मैंने ऑयल को ग्री ट्रे को ग्रीस कर दिया है और नान कताई की शेप दे रही हूँ। और इसके ऊपर एक अंगूठा प्रेस कर दिया था मैंने ताकि अच्छे से अंदर से गुठली उठली ना रहे। और ब्रश कर दिया है मैंने अंडे के साथ। 25 मिनट में हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया था ओवन में, क्योंकि यहाँ फ़ौरन हीट वाला चक्कर नहीं है, डायरेक्ट लो होती है या हाई होती है फ्लेम चूल्हे की। गैस ओवन में बनाया है तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और खाने में भी बहुत लजीज थी, जो खुशबू थी ना माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो लाजमी आप सभी बनाइएगा, बहुत बहुत मज़े की बनी है ये नान कताई। चलें इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।